Good afternoon, students. Welcome back to online classes of science subject. In a previous class, uh, we learned about the clothes and the weather. Okay. Now we are going to the next topic is clothes and work. Um, how people wear a clothes according to their job. Okay. So some people have to wear a special clothes for their work. Matlab, Uh, कुछ पीपल जो है वो अप, अपने जॉब uh, के अकॉर्डिंग जहाँ वो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो उस टाइप की क्लॉथिस वियर करते हैं ओके सो कौन किस टाइप uh, की क्लॉथिस वियर करते हैं वो हम देखेंगे डॉक्टर्स एंड नर्स हैव टू रिमेन वेरी क्लीन डॉक्टर्स एंड नर्स को हमेशा क्लीन रहना पड़ता पढ़, है दे वेयर वाइट ड्रेसेस ऑन विच डर्ट कैन बी ईजीली सीन वो ऐसे क्लॉथस पहनते हैं जैसे कि व्हाइट कलर के क्लॉथेस पहनते हैं सीहियर डॉक्टर एंड नर्स आपने देखा होगा कि ऑलवेज व्हाइट कलर के क्लॉथस पहनते हैं वो ज्यादातर क्यों क्योंकि वो डर्ट उन, उनके ड्रेसेस में जल्दी सीन हो जाता है दिखता है तो इसीलिए वो उनके क्लॉथिस हमेशा क्लीन रखना बहुत जरूरी है ओके okay? सो नेक्स्ट डे डॉक्टर के बाद पीपल वर्किंग ऑन अ मशीन जो मशीन में मशीन के ज्यादातर काम करते हैं मशीनरी काम ओके सो पीपल वर्किंग ऑन मशीन इन फैक्ट्रीज जो फैक्ट्री में काम करते हैं वी आर ओवर ओवरऑल्स दिस इज वन मतलब वो पूरे ओवरऑल कवरिंग रहते हैं जैसे कि दिस इज वन क्लॉथ द कवर्स फ्रॉम द नेक टू द फीट नेक टू द फीट उनके क्लॉथेस uh, कवरिंग रहते हैं दिस मेक्स इट्स सेफ टू वर्क ऑन द मशीन ये क्यों कवरिंग करते रहते हैं उनके क्लॉथेस क्योंकि सेफ्टी के लिए दिस मेक्स टू सेफ टू वर्क ऑन द ऑन द मशीन ये जो क्लॉथिस है वो उनके Uh, उनको क्या रखते हैं सेफ रखते हैं ओके सो देर इज नो पोर्शन ऑफ क्लॉथ इज दैट कैन एक्सीडेंटली यू कॉट ऑन द यू कॉट ऑन द मशीन्स देर आर नो पोर्शन ऑफ क्लॉथ ऐसा कोई पोर्शन नहीं रहता कि क्लॉथ कैन एक्सीडेंटली कुछ हुआ अगर गलती से या एक्सीडेंट हुआ गेट कॉट ऑन द मशीन तो वो उनको प्रोटेक्ट करता है तो वो क्या, वो जो जैसे कि कोई भी इसमें आग लग जाए तो वो पट से उस कपड़े को मतलब कप, कपड़ा जो है वो उस क्लॉथ जो क्लॉथ है वो जल्दी आ, आग पकड़ ना पाए मतलब वो सेफ सेफ्टी देता है ओके सो देर आर नो पोर्शन ऑफ क्लॉथिस ऐसा कोई भी पोर्शन रहता कि कुछ एक्सीडेंटली कुछ हो जाए तो वो जल्दी से उसको पकड़ पाए ऐसा नहीं रहता है वो गेट कॉट इन द मशीन एक्सीडेंटली गेट कॉट इन द मशीन अ सोल्जर लाइफ इज वेरी टफ सोल्जर लाइफ इज वेरी टफ ये ये जो आप देख रहे हैं ये पिक्चर में देखो ये पूरे टॉप टू बॉटम जैसे हेलमेट एंड ये आ, उनके फैक्ट्री के ड्रेसेस वो वियर करके है तो ये फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं ओवरऑल उसको क्या बोलते हैं हम ओवरऑल्स उसके वो कौन से क्लॉथेस है ओवरऑल ओके, okay? जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो किस टाइप की क्लॉथिस वियर करते हैं दे वियर ओवरऑल क्लॉथिस ओके सो नेक्स्ट है द सोल्जर लाइफ इज वेरी टफ सोल्जर की लाइफ कैसे रहती है वेरी टफ रहती है हार्ड रहती है मुश्किल रहती है हैव टू बी टफ उसके हिसाब से उनके वर्क के हिसाब से उनकी क्लॉथिस भी टफ रहेंगे सो टू यूनिफॉर्म मेड ऑफ थीक मटेरियल उनका यूनिफॉर्म कैसे रहता है थीक जाड़ा रहता है डज नॉट अट टीयर इजिली कि वो इजिली फट ना जाए ये कैसे रहता है उनका यूनिफॉर्म जाड़ा रहता है ओके okay, थीक रहता है थीक मटेरियल से बना रहता है कि ताकि वो इजीली फटना फट ना सके ओके सो यू यू वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल है ना uh, अलग अलग स्कूल का एक अलग अलग आइडेंटिफिकेशन के लिए यूनिफॉर्म रहता है सो दैट यू बी रिकॉग्नाइज बी अ स्टूडेंट इससे पता चलता है कि आप इस स्कूल के स्टूडेंट हो ऑफ द स्कूल सो ये यूनिफॉर्म uh, ये कंपल्सरी है ओके इट देन बिकम्स इजियर फॉर अ टीचर्स टीचर्स के लिए इजियर होता है कि स्टूडेंट कौन है ये पहचानने में है ना सो एंड वॉचमैन अगर आप अगर आप कोई भी ड्रेस पहनोगे तो आप पता चलेगा क्या कि कौन स्टूडेंट्स है है ना सो so, ऐसे ही आपको यूनिफॉर्म होना बहुत जरूरी है स्पेशल जैसे हम जहाँ जो वर्क करते हैं उस हिसाब से कपड़े रहे पहनते हैं हम है ना सो uh, so, उसके बाद वॉचमैन टू टेक कैन केयर uh, केयर ऑफ uh, यू जो वॉचमैन रहता है उनका भी एक स्पेशल यूनिफॉर्म uh, रहता है एंड वॉचमैन टू टेक केयर ऑफ यू एंड वॉचमैन जो रहता है कि आपको यूनिफॉर्म के लिए केयरिंग uh, करता है आपकी यूनिफॉर्म uh, होना चाहिए ये कंबसरी रहता है स्कूल में आपकी केयर करता है वॉचमैन है ना सो so, हमने क्या क्या सीखा इस क्लास में कि uh, डॉक्टर्स किस तरह की कैसे कपड़े पहनते हैं अपने जॉब के हिसाब से कि uh, उसमें uh, व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि दे देर वाइट कैन बी सीन इजिली इजिली दिख सके एंड देन um, uh, जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं वो ओवरऑल कपड़े पहनते हैं वो हेड um, uh, से लेके फीट uh, तक ओके देन सोल्जर रहते हैं वो टफ उनकी जॉब रहती है तो वो टफ मतलब थी क्लॉथ से मटेरियल से बने हुए कपड़े पहनते ताकि वो आ, जल्दी फट फट ना सके एंड देन स्कूल यूनिफॉर्म रहता है ताकि टीचर को आ, 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 इजीली आइडेंटिफाई हो सके है ना सो so, इस तरीके से ये आ, एक जॉब के अकॉर्डिंग देर दे, उनके वर्क के अकॉर्डिंग तरीके से क्लॉतेस वेयर करते हैं पीपल ओके स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सो मिलते हैं नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में अगले टॉपिक के साथ केयर ऑफ क्लॉथिस हम अगले क्लास में पढ़ेंगे सो so, um, आज के लिए इतना ही काफी है सो so, मिल, मिलते हैं बाय टेक केयर एंड थैंक यू